सर्कल पे अगर ज्यादा प्रोटॉन बम करेगा तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फोटो करें ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करें। यानी आप कर सकते हो इंटेंसिटी एट एज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट, फोटो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का तो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे प्रोपोर्शनल के यही मतलब ना। तुम मुझे मदद करो मैं भी तुम्हें मदद करूं, तुम मुझे गिराने का कोशिश करो मैं भी तुम्हें गिराने का, ऐसे प्रोपोर्शनल के यही मतलब ये। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसमें इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, फोटो करंट क्या है, फोटो करंट क्या है, सीधा बात समझिए, जितना लाइट रेडिएशन का लाइट इस मेटल सरफेस में पड़ा वो लाइट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसे फोटोन्स कहते हैं, जितना फोटोन्स इसने स्ट्राइक किया उतना इलेक्ट्रॉन इससे एमिट हुआ, एमिट हुआ वो इलेक्ट्रॉन कहां से कैथोड से चल के एनोड तक आया, एज ए रिजल्ट इस सर्किट में मूवमेंट किया। पर सेकेंड जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वही तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। अभी हमने बोला 100 वोल्ट का लक्ष्य मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के इसमें फ्लो किया, उसके बाद क्या हुआ कि 50 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है 1 सेकेंड में रिवॉल्व किया इसमें सर्किट।